अगर आप जम्मू में रहते हैं, जम्मू की सड़कों पर अगर आप टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर लेकर निकलेंगे, तो ये खबर आप लोगों के लिए है। ये रात ध्यान से सुनिएगा और बाकी लोगों तक साझा जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी जेब पर पहली मई से जो है सीधा असर जो है वो जम्मू सरकार जो है वो डालने जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, दरअसल खबर जो है वो जम्मू से आ रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि शहर में चल रहे पार्किंग स्थलों में जम्मू विकास प्राधिकरण व जम्मू नगर निगम जो है उन्होंने नई पार्किंग फीस जो है वो शुरू करने जा रहा है, जिसका सीधा असर जो है वो आप लोगों की जेब पर जो है वो पड़ेगा। जेडीए ने सुपर बाजार सिटी चौक स्थित अपनी जो सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग जो है उसकी फीस जो है वो बढ़ाने के साथ साथ मासिक पार्किंग फीस जो रहेगी, जो मंथली फीस रहती है आपकी पार्किंग की, उसे भी जो है पास देने की घोषणा जो है वो कर डाली है। इसके लिए जेडीए 25 अप्रैल को ड्रा निकालने जो है वो जा रहा है। इसके साथ ही जेडीए ने सुपर बाजार सिटी चौक में बनी सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग में जो फीस है बढ़ाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। मासिक पास हासिल करने वाले उपभोक्ता जो भी रहेंगे उनसे जेडीए ने अपील की है कि वो नए पार्किंग पास लेने के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो है वह ही आवेदन करें। जेडीए ने इस पार्किंग में सिर्फ दिन के समय के लिए यानी 12 घंटों के लिए जो दो पहिया वाहन रहेंगे उनके लिए ₹1,000 प्रति महीना जो है वो फीस जो है वो तय की है। वही SUV के लिए ₹7,000 महीना जो है वो फीस जो है वो उन्होंने तय करी है। इसके अलावा जो सेडान कारें रहती हैं उनके लिए ₹4,500 महीना जो है ये निर्धारित जो है वो फीस की गई है। इसी प्रकार दिन और रात में अगर आप पार्किंग करना चाहते हैं तो 24 घंटे के लिए अगर वाहन को खड़ा करने के लिए जो सेडान कारें रहेंगी उनको ₹5,000 जो है वो देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ SUV के लिए ₹8,000 जो है मासिक जो है वो आपसे वसूले जाएंगे। जानकारी के अनुसार ऐसे ही सेडान को 4 घंटे तक खड़ा करने के लिए ₹50 और इसके बाद प्रति घंटा ₹20 जो है उस पर जो है वो चार्ज किया जाएगा। एसयूवी के लिए 4 घंटे के लिए ₹70, प्रत्येक 2 घंटे के बाद ₹20 जो है वो आपसे वसूले जाएंगे। एडीए ने इसके आदेश जारी किए हैं और पहली मई से इन्हें लागू जो है वो माना जाएगा। ऐसे ही एडीए की अन्य पार्किंग स्थलों पर भी इसकी फीस जो है वो लागू की जाएगी। और जम्मू नगर निगम भी नई फीस जारी करने जा रहा है। जम्मू नगर निगम की बात करूं यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो कार के लिए आधे घंटे तक ₹10, दो पहिया के लिए ₹5 लेगा। और शहर के विभिन्न स्थानों पर जो सड़कें हैं किनारों पर स्मार्ट सिटी के तहत जो बनी पार्किंग स्थल है उनके लिए लोग ऑनलाइन या फिर मौके पर ही पहुंचकर निर्धारित फीस जो है वो देकर वाहन जो है वो खड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मेयर हैं जम्मू सिटी चंद्रमोहन गुप्ता जी, उनका कहना है कि शहर में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए विभिन्न पार्किंग स्थल जो है वो बनाए जा रहे हैं। जल्द ही साइकिलिंग भी शुरू जो है वो की जा रही है, फिर लोग साइकिल किराए पर लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो जा पाएंगे। साइकिलिंग पर लिखे कोड को स्कैन कर जो है वो पैसे भी जो है वो आप लोग भर सकेंगे। जेडीए के 22 चेयरमैन पंकज मंगोत्रा का कहना है कि नए पार्किंग चार्ज शुरू किए जा रहे हैं, इनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करें ताकि शहर में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। 25 जो अप्रैल रहेगी उस समय जो है वो लकी ड्रा जो है पार्किंग के लिए वो निकाला जाएगा। सुपर बाजार सिटी चौक स्थित सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग में अगर आप वाहन जो है वो खड़ा करने के लिए लोगों को मासिक पास जो है वो ले सकते हैं। ये पास 12 अथवा 24 घंटे के लिए पार्किंग की उपलब्धता जो रहेगी उसके हिसाब से जो है वो ड्रा द्वारा दिए जाएंगे। 2009 अप्रैल जो तक जो है ऑनलाइन इसके आवेदन आप कर सकते हैं, 29 अप्रैल तक माफ करिएगा इसके आप आवेदन कर सकते हैं और 25 अप्रैल को जो है इसका लकी ड्रा जो है वो निकाला जाएगा और जेडीए जो है उसके कार्यालय में ही इसका लकी ड्रा जो है वो निकाला जाएगा। पुराने रेट्स जो है वो भी आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। 4 पहिया 2 पहिया के लिए जो था ₹15, आप 1 घंटे के लिए ₹5, आप 1 घंटे के लिए और ₹30, 2 घंटे के लिए ₹12 जो थे वो 2 घंटे के लिए चार्ज किए जा रहे थे। वही ₹40 3 घंटे के लिए और ₹14 3 घंटे के लिए जो थे वो आप लोगों से वसूले जा रहे थे। ये पार्किंग के चार्जेस जो पुराने थे वो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ₹50 4 घंटे के लिए और ₹15 4 घंटे के लिए, वही ₹55 5 घंटे के लिए, वही ₹20 5 घंटे के लिए दो पहिया जो वाहन रहता है, ₹60 6 घंटे के लिए जो 4 पहिया और ₹25 6 घंटे के लिए जो 2 पहिया, ₹70 6 घंटे के लिए, ₹12 घंटे के लिए और ₹30 6 से 12 घंटे
के लिए, और यही 25 रुपये प्रति माह 24 घंटे के लिए पार्किंग की जाती थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। जम्मू नगर निगम के नए पार्किंग चार्ज जो रहेंगे वो कार और दो पहिया के लिए जो रहेंगे। अगर आप 29 मिनट तक किसी गाड़ी को पार्क करते हैं 10 रुपये जो हैं, 10 रुपये से 5 रुपये जो है आपसे लिए जाएंगे। वही 30 रुपये से लेकर घंटे तक आप किसी को पार्क करते हैं गाड़ी को तो वही आपसे जो है 25 रुपये वसूले जाएंगे। 60 से आप अगर 90 मिनट तक गाड़ी को पार्क करते हैं तो 35 रुपये या फिर 10 रुपये आपसे लिए जाएंगे। 90 से 120 मिनट तक अगर कोई गाड़ी पार्क करते हैं तो 50 रुपये वसूले जाएंगे। ऐसे करते करते आपसे जो है वो चार्जेस जो है वसूले जाएंगे। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में साइकिलिंग भी शुरू की जा रही है, इसके लिए शहर के विभिन्न स्थलों पर साइकिल स्टैंड जो है बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जम्मू कॉर्पोरेशन द्वारा जो है वो पेड पार्किंग बूथ जो है वो बनाया गया है, और ये सुपर स्पेशलिटी के बिल्कुल अपोजिट में आपको पार्किंग मिलेगी। और यहाँ पर भी अगर आप आते हैं ऑनलाइन जहाँ इसको आप बुक कर सकते हैं, अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है, अदरवाइज आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप फीस जो है वो देकर यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लगातार कुछ ना कुछ प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है उसे लोगों को, आम लोगों को जो है, जनमानस को जो है वो निजात जो है वो दिलाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं 1 मई से जब ये फीस दरें जो है वो जारी हो जाएंगी, JDA और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो रिवाइज किए गए हैं रेट्स, उनमें ज़्यादा बदलाव किया गया है, और जब आम लोग जब गाड़ियाँ पार्क करेंगे, टू व्हीलर्स पार्क करेंगे, तो सीधा असर जो है उनकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब आम लोग इसे किस तरीके से देखेंगे, और जल्द ही कोई प्रयास करेंगे JDA चेयरमैन और साथ में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर जो है उनसे बातचीत की जाए, और उनसे सीधा पूछा जाए कि ये जो रेट रिवाइज किए गए हैं इसके पीछे का क्या मकसद है, और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है क्या लोगों को थोड़ी सी रियायत जो है इसमें देगा कि नहीं देगा, क्योंकि लोग तो सड़कों पर उतरेंगे, अगर उतरेंगे तो अपनी गाड़ियों में ही आएंगे, और गाड़ियों में आएंगे तो अगर आप सीधा असर उनकी जेब पर डालेंगे, ऑलरेडी महंगाई दर जो है वो इतनी है इस समय, लोग जो है वो परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, वही आप सीधा असर उनकी जेब पर डालेंगे तो आम लोग जो है वो कहाँ जाएंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि हर एक इंसान जो है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि अगर आपके पास भी 2 व्हीलर है, अगर आपके पास भी 4 व्हीलर है, और अगर आप जम्मू की सड़कों पर निकलेंगे तो बारी बरकम फीस जो है अब आपको चुकानी पड़ेगी। JDA ने अपनी जो फीस दरें हैं पार्किंग की उन्हें रिवाइज कर दिया, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है साथ साथ उन्होंने भी जो है इसे रिवाइज कर दिया है। अपनी रिकमेंड बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। जल्द मिलता हूं जम्मू कश्मीर की बड़ी अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।